अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं राज कचौड़ी चाट बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं ये एक प्याली भर के हम सूजी लिए हैं, यानी कि सेमोलिना, और ये हाफ प्याली हम लिए हैं मैदा, और ये एक चुटकी है बेकिंग पाउडर, एक चुटकी ही बेकिंग सोडा है, क्वार्टर टी स्पून हम नमक लिए हैं, और ये गुनगुना गर्म पानी लिए हैं इसको गूंदने के लिए। तो चलिए इसको डो तैयार कर लेते हैं। हम एक प्याली ले लिए हैं, इसमें हम सूजी डाल दिए हैं और हम मैदा भी ऐड कर दिए हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसको भी डाल दिए और नमक भी डाल दिए। इसको गुनगुना गर्म पानी से हम गूंद लेते हैं। आटा का डो जैसे लगता है सॉफ्ट, हम वैसे ही डो लगाएंगे इसमें। ये हमारा आटा अच्छा सा सॉफ्ट सा गूंद गया है, अब हम इसको ढक करके, ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए, इसको ढक करके 10-15 मिनट हम रख देते हैं। ये देखिए इसका ढक्कन लगा करके 10 मिनट या 15 मिनट के लिए हम रख देते हैं सॉफ्ट होने के लिए। ये हमारा 10-15 मिनट हो गया है आटा को रेस्ट दिए हुए, इसको एक बार अच्छा से हम फिर से मिला लेते हैं, इसके हम पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए हम इसको ऐसा लंबा सा कर लेते हैं, इसका हम पेड़ा बना लेते हैं। पूरी से थोड़ा सा बड़ा हम इसका पेड़ा बना के तैयार करेंगे। ये देखिए 8 से 10 हमारी लोइयां हो गई है, अब इसमें से एक हम पेड़े उठा लेते हैं और इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि इसका परत सूखे नहीं, और हम इसको बेल लेते हैं। खूब ज्यादा बड़ा भी नहीं बेलेंगे ना खूब ज्यादा छोटा, मीडियम साइज का हम बेलेंगे। हमारा बेल गया है, ये देखिए इसका साइज, और ये हमारा इसका मोटापन, और हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा तेल अच्छा सा गर्म हो गया है, अब हम एक एक करके इसमें पूड़िया ऐड कर देंगे। पहले एक पूड़ी हम डालेंगे इसमें, ये देखिए हमारा पूड़ी बिल्कुल अच्छा सा, यानी कि कचौड़ी अच्छा सा फूल गया है। इसको धीमी धीमी आंच में, फिर हम इसका आंच को धीमा कर देंगे ताकि ये अच्छा सा क्रिस्प हो जाए और गोल्डन कलर आ जाए। इस तरीके से हम इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे, इसके ऊपर कलर देते हैं। ये फ्लेम हमारा सोलो है, बिल्कुल लो हम कर दिए ताकि इसको क्रिस्पी होने में आसानी से हो सके क्रिस्पी। ये हमारा अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, अच्छा सा क्रिस्पी भी हो गया है, हमारा कचौड़ी बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, देखिए इस टाइप के जाली में हम इसको निकाल देते हैं और हवा लगने देते हैं ताकि ये क्रिस्पी अच्छा सा हो जाए। दूसरा हम डाल लेते हैं इसी तरीके से सारे कचौड़ियों को हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इतने सारे पूड़ियां हमारे बनके सब तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं। फिलिंग के लिए जो हम चीजें लिए हैं वो देखिए, ये एक प्याली फेटा हुआ दही है हमारे पास, और हरी मिर्च और धनिया पत्ती और पुदीना की चटनी है, इमली की खट्टी मीठी चटनी है, और ये छोले हैं, काले चने हैं, चाट मसाला है हमारे पास, काला नमक है, सेव यानी भुजिया, ये बॉयल किया हुआ आलू है जिसको छोटे पीस में हम काट लिए हैं, और इस तरफ है हरी धनिया कटी हुई है, खीरा है और प्याज कटी हुई है। ये देखिए दो पूड़ियाँ हम ले ली हैं, अब इसको अच्छा से इसको हम फोड़ लेते हैं। देखिए आप आवाज सुन सकते हैं कितना क्रिस्पी है, हम इसमें फिलिंग करते हैं। हम बॉयल आलू इसमें ऐड करते रहे पहले, ये देखिए इसके बाद हम छोले ऐड करेंगे इसमें। हमारा चला गया, चने ऐड करेंगे इसमें। आप अपने मन पसंद इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा सा खीरा ऐड करेंगे, धनिया की पत्ती, हरी धनिया की चटनी,
हम नाए हम नाए चाट मसाला ऐसी जी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मटर यानी छोले, थोड़ा सा आलू, और दही हम इसके ऊपर से दही फेंकेंगे। अब इस पापड़ी यानी राज कचौड़ी चाट को आप कचौड़ी को फ्राई करके 20 दिन 70 दिन इधर इसको अच्छा से रख सकते हैं और अपने मनपसंद इंग्रेडिएंट्स फिल करके एंजॉय कर सकते हैं। देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गई है। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा सेव भुजिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा फिर दही हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर से। मीठी चटनी धनिया। ये देखिए हमारा राज कचौड़ी चाट बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपकी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि कैसा बना है और लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।